पारुल दीदी जी परिवार से हैं, वे अपने मन की कुछ बातें आप सबके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। पारुल दीदी, ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा ये कभी सोचा नहीं था। रोहित को टीवी के माध्यम से आप सबने देखा, समझा और जाना है। वो मेरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मैंने उसे और करीब से देखा और उस नाते में ये कह सकती हूँ कि इतने छोटे से जीवन में एक पुत्र के रूप में वो सबसे अच्छा बेटा साबित हुआ, एक देवर के रूप में बहुत अच्छा देवर, चाचा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में। मेरी छोटी बहन का पति था उस रूप में, जितने रिश्ते उसने निभाए उस खूबसूरती से, उतने प्यार से रिश्तों को निभाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सभी जानने वाले जो रोहित को जानते थे मुझसे अक्सर कहते थे कि मुझे उससे मिलवा दो। मैंने कहा आपने उसको केवल टीवी पर देखा है, जब आप उससे सचमुच मिलेंगे तो उसका व्यक्तित्व भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा ईश्वर ने मेरी बहन की मांग में सजा दिया था। आज मैं उसको यही कहकर समझा रही थी कि सोचो सोचो कि ईश्वर तुमसे पहले ही संवाद कर लेता और तुमसे कहता कि जीवन छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार से भरा हुआ होगा, बहुत सुंदर होगा, तो तुम क्या मांगती? उसने कहा मैं यही मांगती। ये अन्याय ईश्वर ने जरूर किया है लेकिन ईश्वर के लिखे के आगे हम सब असहाय हैं। न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कह सकता है। बस इतनी विनती है कि मेरे रोहित को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उससे कहे कि अपने परिवार को संभल दो, उन्हें हौसला दो कि वो आगे बढ़ सके। बहुत सारे काम अधूरे छोड़ गया है लेकिन जाने वाला कभी तैयारी करके नहीं जाता। इतने कष्टों के बारे में सुना, इतने लोगों के तकलीफें सुनी, इतने लोगों का जाना सुना, लेकिन जब अपने ऊपर आ गया तो लगा सबसे दुखद, सबसे गंदा यही साक्षात्कार हो सकता था और वो दिन भी हमने देख लिया। फिर भी रोहित से प्रार्थना है कि रोहित तुम जहां भी हो अपने परिवार को संभल दो, अपने परिवार को हौसला दो आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। हे ईश्वर, उसे अपने पैरों में, अपने सजदे में स्थान दे और उसके परिवार को हौसला दे। धन्यवाद।